ये डॉग है जो आज रेस्क्यू किया गया है राज मोहल्ला से हमारे वॉलेंटियर सचिन और नमन ने। सपना का कॉल आया था और ये इससे पहले एक और रेस्क्यू के लिए गए थे मरी माता, वहाँ से उन्होंने एक डॉग रेस्क्यू करा, उसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊँगा। फिलहाल सचिन और नमन से बात करते हैं। पास में आ जाइए ज़रा, थोड़ा और पास में आ जाइए। ये है हमारे मेंबर ग्रुप के हेल्पिंग हैंड्स के सचिन एंड नमन, एक्रोपोलिस में स्टूडेंट हैं इंजीनियरिंग के। सचिन आप बताएंगे क्या हुआ था। एक्चुअली सपना मैम का कॉल आया था कि एक डॉग है उसे रेस्क्यू करना है राजमोहल्ला पे। ओके तो हम वहाँ पर एड्रेस लेकर पहुँचे तो हमने देखा कि एक छोटा सा डॉग ही ये साइड में धूल में पड़ा हुआ था। हमको किसी ने कॉल करके बताया था वहाँ पे, तो वो भी वहीं पे प्रेजेंट थे। ओके एक दो लेडीज थी। ओके तो उन्होंने फिर हमको बताया करा, तो हमने देखा तो हमको इसकी थोड़ी हालत खराब लगी, तो फिर हमने ओके इसको यहाँ लाना प्रेफर किया। ठीक है, लग रहा है ऐसा ये डिस्टेम्पर हुआ है इसे, कोशिश करेंगे इसे सरवाइव करने की। ये है नमन, नमन आज पहली बार रेस्क्यू पे गए, नमन कैसा एक्सपीरियंस रहा, आपने दो रेस्क्यू करे? बहुत ही अलग एक्सपीरियंस था ये। ओके बहुत ही जैसे मैंने सोचा था उससे कहीं ज़्यादा डिफिकल्ट था। हाँ जब मैं पहले रेस्क्यू में गया था जो कि रेलवे कॉलोनी में है, हाँ वहाँ पर वो बहुत ही क्रिटिकल हालत में था, उसके जो बैक का पूरी तरह से क्रश हो चुका था और वो चेंबर में फंस चुका था। हाँ वहाँ पर कई लोग थे, करीबन 20 से 25 लोग जिन्होंने हमारी हेल्प करी, मैंने वीडियो भी डाला था। अच्छा अच्छा ओके, आपने लाइव किया था राइट? हाँ वो मैं उसी वक्त हाथों हाथ डाल दिया था। ओके गुड नमन, थैंक यू सो मच। और ये सचिन है, इससे पहले एक डॉग और रेस्क्यू कर चुके हैं फूटी कोटी से, जिसे हमने नाम दिया था पप्पू, वो आज सुबह एक्सपायर हो गया है। लेकिन थैंक्स टू सचिन, थैंक्स टू नमन, हमें ऐसे वॉलंटियर्स चाहिए इस सिस्टम को बदलने के लिए, इस कंट्री को बदलने के लिए। थैंक यू सो मच।